उत्तराखंड के चंपावत में पिछले 18 वर्षों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुरिला अब अपनी अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। चंपावत जिले के गुरिला संगठन जिलाध्यक्ष ललित मोहन बगौली ने बताया है कि सरकार ने गुरिलाओं से किए वादों को नहीं निभाया और बार बार गुरिलाओं को झूठे आश्वासन दिए गए हैं। यहां तक कि हाईकोर्ट के आदेश को भी सरकार के द्वारा नहीं माना गया। 2 सितंबर को प्रदेश के हजारों गुरिला मुख्यमंत्री आवास को कूच करने वाले हैं, वहीं अनिश्चितकालीन धरने पर अब वो बैठ जाएंगे। प्रदेश में 19,600 गुरिला हैं, जिनमें से कई गुरिलाओं की 18 वर्षों से चल रहे आंदोलन के दौरान मौत भी हो चुकी है। यह तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वहां से हम उठेंगे नहीं और अपने हक के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और अपनी मांग जब तक हम पूरी नहीं होंगे तब तक वहां से उठेंगे नहीं। हम लोगों ने चंपावत जिले से सभी गुरिलाओं को निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है चंपावत जिले के गुरिला जो है देहरादून कूच करेंगे। कम से कम 400 लोग, 400 से 500 के बीच में गुरिला जो है देहरादून को कूच करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री जो निवास स्थान है वहां पर हम लोग अनिश्चितकालीन